एक समय था, मेट्रो सिटी में भी ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती थी। लोग सुबह सुबह सैर के लिए जाते थे ताकि उन्हें ताजी हवा मिले। पर आज हालात कुछ और है, जो आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग शेयर करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ क्लिप्स 10 साल पहले की हैं और कुछ इन दिनों की है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेजर और कैमरा को यूज करके एक्सपेरिमेंट सेटअप डिजाइन किया गया है। ये क्लिप 10 साल पहले सुबह 4 बजे लिया है। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ओस की बूंदें बन रही हैं और उसके साथ डस्ट पार्टिकल मिक्स होकर ग्राउंड में सेटल हो रहे हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है इन्वायरमेंट क्लीन करने का। पर इन दिनों पॉल्यूशन लेवल हद से ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण नेचुरल इन्वायरमेंट क्लीनिंग हो ही नहीं रही है। इवन बारिश होने के बाद भी कुछ पार्टिकल सेटल ही नहीं होते। पॉल्यूशन का मेन सोर्स कंस्ट्रक्शन डस्ट पार्टिकल्स, पुराने व्हीकल से धुआं निकलना, रोड टूटे हुए, इंडस्ट्री से निकलता हुआ स्मोक है। ये वीडियो क्लिप रोड साइड पे सुबह 4 बजे लिया गया है, लेकिन डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूशन, इवन सुबह ना कोई व्हीकल चल रही है ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी कम नहीं हुआ है। हमारे हेल्थ के लिए छोटे छोटे यानी नैनो पार्टिकल्स ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि लंग्स के बाद बड़े पार्टिकल तो फिल्टर हो जाते हैं। अब हालत ऐसी है कि सिर्फ रोड ही नहीं, घरों में भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, जिस कारण छोटे बच्चों को भी स्किन और लंग डिजीज हो रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल की मात्रा पॉल्यूटेड एयर में कम हो रही है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हवन सामग्री को घी में जलाकर ग्रीन लेजर और कैमरा के थ्रू चेक किया। हवन के पहले और बाद की डस्ट पार्टिकल में डिफरेंस दिखा। हवन के बाद डस्ट पॉल्यूटेंट कम हो गए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने घरों में रेगुलरली या वीकली हवन करें और अपने घरों को पॉल्यूशन फ्री करें। हम अपने रिसर्च में और डिटेल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे और भविष्य में आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।